नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम दे चुके हैं वो विद्यार्थी थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुने। साथियों, जैसा कि आप पेपर देने के बाद आप इंतजार कर रहे हैं आपकी प्रोविजनल आंसर की का, क्योंकि एग्जाम के बाद प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब कुछ वीडियोज के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उन पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतिहास में आज तक किसी भी भर्ती में बोनस अंक नहीं दिए गए हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि माना कि आपका पेपर है फर्स्ट या सेकंड कोई भी है, किसी में भी 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन वाले हैं और वो डिलीट किए गए हैं, तो माना कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर था तो उसमें से 95 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। लेकिन सपोज देन 100 क्वेश्चनों का था और 200 उनके मार्क्स थे, तो आपके 95 क्वेश्चन और 200 मार्क्स रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कुछ क्वेश्चनों के अंक भार बढ़ा दिए जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो ये चीज़ से आप बिल्कुल बचें कि बोनस अंक दिए जाएंगे, बिल्कुल बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ थी जिनमें बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, केवल अंक भार बढ़ाया गया है डिलीट क्वेश्चनों का। तो आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद मेन आंसर की आएगी। मेन आंसर की से पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक आप इंतज़ार करें। अगर कोई और भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, और जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित आप जानकारी के लिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।